का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के देशों को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे देश को चुना है जो बदला लेने के लिए कुख्यात है। जिसका मारा पानी तक नहीं मांगता और वॉर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक बार फिर इजराइल वही करेगा जिसके लिए वो मशहूर है, यानी खुद पर हुए हमले का बदला। बदला और सिर्फ बदला। इजराइल पर ईरान का ये हमला कब होगा? इजराइल अपना ये बदला कब लेगा? हो सकता है इसकी तारीख भी इजराइल ने मुकर्रर कर ली हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू। इजराइल के निशाने पर ईरान की एटम साइट। क्या बड़ी तबाही आने वाली है? ईरान और इजराइल के बीच हर गुजरते दिन के साथ साथ अब हालात खराब होते जा रहे हैं। करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला करके ईरान ये बता चुका है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन इजराइल ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, यानी इजराइल का बदला अभी बाकी है। और अब इजराइल के पूर्व पीएम का बयान पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके एहुद बराद ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के तेल उद्योग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला कर सकता है। इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सैन्य लक्ष्य पर प्रतीकात्मक हमला भी कर सकता है। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने मिसाइलों का टारगेट नेतन्याहू ने लॉक कर दिया है? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक के इस बयान के बाद से दुनिया के तमाम देश बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों को निशाना बनाया तो बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जहां से बात को संभालना फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब होता है तीसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद कितने लोग मारे जाएंगे इसके बारे में कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता। एहुद बराक ने विदेशी मीडिया द गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया है। इसी इंटरव्यू में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का गुस्सा जुबान पर आ गया। एहुद बराक ने यह भी कहा कि इजराइल के लिए प्रतिक्रिया देना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि धरती पर कोई भी संप्रभु राष्ट्र प्रतिक्रिया देने में विफल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसे एक से ज्यादा बार दोहराया जा सकता है। यानी इजराइल बदला लेगा और जरूर लेगा। इजराइल पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि पूरा इजराइल बेहद गुस्से में है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल खुद पर हुए हमले का बदला ना ले, और इसीलिए बाइडेन भी ईरान इजराइल के बीच तनाव पर सोच समझकर ही बोल रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच तनाव को लेकर G7 देशों ने एक आपात बैठक भी बुलाई थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया
कि क्या इजराइल ईरानी तेल के अड्डों पर हमला करेगा? तो सुनिए बाइडेन ने क्या कहा। लेकिन नेतन्याहू अड़े हैं कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורנו שנפלו היום בלבנון. השם יקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि इजराइल बदला लेगा और जरूर लेगा, लेकिन अभी वो लेबनान में हिजबुल्ला के साथ उलझा हुआ है, इसीलिए इजराइल के काउंटर अटैक में देरी हो रही है। अब इजराइल के उन परमाणु अड्डों को देख लीजिए जिनका टारगेट इजराइल लॉक कर चुका है।